हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना, जो अप्रैल में वैकेंसी आई थी उसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है, उसी नोटिफिकेशन का आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, एम्स पटना की वेबसाइट ओपन की है मैंने, और उसी वेबसाइट में अपॉर्चुनिटीज यानी रिक्रूटमेंट नोटिस पे क्लिक करेंगे। रिक्रूटमेंट नोटिस पे क्लिक करने के बाद जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे आपको दिख रहा है, तो यहां पे सेकेंड नंबर पे अगर आप देखें रिक्रूटमेंट नॉन फैकल्टी 2023, और यहां से हम लोग उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करेंगे तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना 26/4/2023 की ये वैकेंसी थी, और इसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी जो 50 नंबर पे थी, और इसका मैंने डिस्कशन आप लोगों के साथ किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस डिटेल वैकेंसी को देख सकते हैं। तो यहां पे फार्मासिस्ट ग्रेड की वैकेंसी आई थी ये पे, जिसके लिए एलिजिबिलिटी थी डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्टर्ड फार्मेसी, आप यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी डीफार्म हो और साथ में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। टोटल 27 पोस्ट यहाँ पे दिख रही है। एज 21 to 27 ईयर, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। साथ में एक और वैकेंसी थी फार्मासिस्ट केमिकल एग्जामिनर, जिसकी वैकेंसी एक थी, जिसमें भी डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्टर्ड फार्मेसी की रिक्वायरमेंट थी। यानी जिन लोगों ने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एम्स पटना यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जॉब कर। क्या अपडेट आई है इसको देखें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन तो अप्रैल की थी, अब उसके रिलेटेड क्या नोटिफिकेशन है वो देखा जाए। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे नोटिफिकेशन में जो नई चीज आई है वो नई चीज क्या है कि अब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जून यानी 20 जून 2023 से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 11 जुलाई 2023 लास्ट डेट है। यानी अब आप यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दो चीजें हैं, रजिस्ट्रेशन लिंक यानी पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अप्लाई लिंक फॉर आप यहाँ से फिर अप्लाई करके लिंक करेंगे। अब जब जैसे रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज ओपन होगा। जैसे रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करूं तो एक नया वेब पेज ओपन हो रहा है। इस वेब पेज में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली और अच्छे से पढ़ के आपको उसको फिल करना है। यहाँ पे पर्पस दिया गया, एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, यहाँ पे आपको एग्री करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। और यहाँ पे देखें रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट नेम और ये सारी इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ओटीपी जनरेट करना है, एग्री करना है, कैप्चा करके रिवेरीफाई करके आप करेंगे तो यहां से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपको अप्लाई लिंक पे जाना है और इस पे फिर आपको अप्लाई करना है, जबकि जो रजिस्ट्रेशन के बाद यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा वहां से आप इस चीज को लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन दी गई, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटिव सिलेबस, यानी क्या सिलेबस आपको पढ़ना हो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। फिर इसे जब ओपन करेंगे तो एक नया पीडीएफ खुलेगा और इस पीडीएफ में आपको मिलेगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट एडवर्टाइज बाय द एम्स पटना। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो वो स्कीम आपको मिलेगी। क्या स्कीम है यहां पे देखें, पेज नंबर 133, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट ग्रेड। और इसको जब आप देखेंगे तो सब्जेक्टिव नॉलेज 100 मार्क्स का दिया गया है, और ये इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म मेट्रोलॉजी, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, होमोजेनाइजेशन, एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, और ये पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। फिर फार्माकोग्नोसी आपको मिलेगी, यानी फार्माकोग्नोसी भी सिलेबस में दिया गया है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी आपको सिलेबस में मिलेगा, और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये आपको यहाँ पे सिलेबस मिल रहा है। तो पूरा सिलेबस हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मास्यूटिक्स यानी डिस्पेंसिंग फार्मेसी, लिक्विड डोजेस फॉर्म, बायोफिजिक्स, सेमी सॉलिड, ये सारी चीजें आपको मिल रही है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी सिलेबस में दिया गया है। ये सब आपको यहां से देख के आपको इसी सिलेबस, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, अब यहां से सेकंड, तो इतना सिलेबस आपको दिया गया। ये सारा सिलेबस आपको क्लियरली देखना पड़ेगा। यानी जो सिलेबस की बात करें तो ओवरऑल डिप्लोमा के सारे सब्जेक्ट इंटायर सिलेबस को कवर किया गया है। तो ये एक नई इन्फॉर्मेशन थी एम्स पटना के रिलेटेड कि अब आप यहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी डिप्लोमा इन फार्मेसी
पास आउट हो चुके हैं, जिनका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, किसी भी स्टेट के हो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो यहाँ पे स्टेट की बाउंडेशन नहीं होगी, सिर्फ आपका पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन अगर आप है तो इस फॉर्म, एज अगर आपकी उस जो मेंशन की उस एज के अंदर है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। 11 जुलाई लास्ट डेट है, और यहां से आप जो डाउनलोड का ऑप्शन है, यहां से डिटेल वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जो टोटल 27 पोस्ट आ चुकी हैं। और यहां से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो सिलेबस है, वो सिलेबस को आप देख के और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। फर्दर जब एग्जामिनेशन की डेट आएगी, मुझे इन्फॉर्मेशन लगेगी तो भी मैं शेयर करूंगा, लेकिन साथ ही साथ फॉर्म भरने के साथ साथ इसमें एग्जामिनेशन की तैयारी करना मस्ट है, क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने की। तो ये थी एक एम्स पटना के बारे में इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।